नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। इन दिनों लोरमी क्षेत्र में दिनों दिन चोरी, जुआ, सट्टा, अवैध शराब का कारोबार जोर शोर से फल फूल रहा है। लगातार प्रशासनिक कार्यवाही के बाद भी चोरों के हौसले बुलंद है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली के वाहन चोरी को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। मुंगेली लोरमी से साजिद खान की रिपोर्ट। ऐसा ही एक मामला 29 तारीख रात के हरदी गांव का सामने आया है, जहां किसान दिलेश्वर काटले घर के बाहर रखे ट्रॉली को चार गिरोह ने फिर हाथ साफ करने का प्रयास किया था। इसकी शिकायत चिल्फी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच प्रक्रिया प्रारंभ किया, जहां वाहन चालक से पूछताछ के दौरान चोर ने चोरी करना स्वीकार करते हुए अपने गिरोह के सदस्यों का नाम बताया। जहां चिल्फी चौकी प्रभारी सुशील कुमार बंछोर ने टीम गठित कर आरोपी के बताए गए अलग अलग जगहों पर घेराबंदी करते हुए छापामारी की गई, जहां गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। वहीं चोरों के निशानदेही पर चोरी कर बेचे गए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली एवं एक पिकअप को महज 24 घंटे के अंदर जब्त कर लिया गया है। पुलिस की कार्यवाही में कोई प्रभावशील लोगों के चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। हालांकि अभी जांच चल रही है, इसलिए खरीदारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, न ही नाम का खुलासा किया गया है। वहीं चौकी में सिफारिश के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं पुलिस की बड़ी कार्यवाही को क्षेत्र में सराहा जा रहा है कि महज 24 घंटे में वाहन चोर गिरोह के पर्दाफाश करने में चिल्फी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंगेली लोरमी से साजिद खान की रिपोर्ट। हो रही से खनाले की शिकायत कर रहे हैं चिल्फी चौकी में, ओखर अभी तक के कोई निराकरण नहीं हुए हैं, न ओखर संबंध मोला चौकी वाले अभी तक के कोई जानकारी दिए है, और दोबारा में पुनः मोर ट्राली चोरी करे लाए रही है, जैन ल मैं कुदा के पकड़े हैं और थाना में चौकी में जाके शिकायत करे हैं। नाव लेके देखिए 500 ट्राली एक ठोकी का भाव पकड़ाए है। कब कर रहे शिकारी से करे हम दिलेश्वर प्रसाद काटले तारीख को ग्राम हरदी का प्रार्थी दिलेश्वर काटले थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि अभी रात्रि में उसके घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर के ट्राली में कोई अज्ञात कुछ चोर चोरी करके ले जा रहे थे। इनके जाग जाने पर चोर लोग एक पिकअप वाहन है CG 28 174 इसे बैठ के भाग गए ट्राली को छोड़ के। अपराध पंजीबद्ध करके बहिष्कारियों के मार्ग निर्देशन में एक टीम गठन करके पिकअप वाहन में जो भागे थे फरार आरोपी भागे थे उनकी पतासाजी किए। पतासाजी करने पर एक नया खुलासा हुआ कि एक ट्रैक्टर ट्राली चोर गिरोह चल रहा था, जिसमें 2 सदस्य मिल गए हैं और वो पंडरिया क्षेत्र में, मारो क्षेत्र में और भाटापारा क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली चोरी किए थे, जिसमें से 5 ट्रैक्टर ट्रालियाँ मिल चुकी है और आरोपियों से जो पकड़े गए आरोपियों उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उसमें और ट्रैक्टर ट्राली जो चोरी किए थे और बेचे कहीं पर उनके मिलने की संभावना है। अभी तक से हमने 4 आरोपी जो खरीदारी किए थे वो और प्लस 2 आरोपी हिरासत में लिए, इनसे पूछताछ कर रहे हैं। इसमें और नए और ट्रैक्टर ट्राली मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। जी, किन लोगों से ट्रैक्टर ट्राली बरामद की गई, उसमें सुनने में आ रहा है कि प्रभावशील लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? नहीं, इसमें किसान लोग ही हैं, अधिकांश जितने खरीदे हैं सभी किसान हैं और ये आधी कीमत में या औने पौने भाव में दे रहे थे, इन लोग लालच में आके खरीद लिए। जो आरोपी सातिर किस्म का है, जो इनको स्टाम्प पेपर में उनके। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।